हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ना गाइस मलाड में ही है। तो मलाड में एक स्ट्रीट फूड, जो मलाड का स्ट्रीट फूड है ना गाइस, वही देखने वाले। तो यहाँ ये कहाँ है कि मलाड ईस्ट में जाने वाले। मलाड ईस्ट में काव गली करके एक जगह है, यहाँ पे है ना गाइस बहुत सारा स्ट्रीट फूड ही है। तो वही आज ट्राई करने वाले। तो वहाँ पे दो तीन स्ट्रीट फूड फेमस है, तो वही आज मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो उसमें से एक दो तीन डिश है ना मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हूँ, तो मेरे ख्याल से वो यूनिक फूड रहेगा। डोसा जो उनका जो बटर डोसा जो है वो बहुत फेमस है, तो वो एक ट्राई करने वाला हूँ। और एक मलाड ईस्ट में काव गली करके वहाँ पे ना जो अंडे का एक डिश है वो भी बहुत फेमस है, वो भी ट्राई करने वाले। तो बाकी जो है ना काव गली में जो है जो जो फूड है गाइस, वो सब आज ट्राई करने वाला है। तो वीडियो बढ़िया रहने वाला है, चलो जाते और फूड स्ट्रीट फूड है ना ट्राई करते गाइस। ओके गाइस, अभी जो है ना गाइस हम मलाड ईस्ट में जाने वाले हैं। तो पूरा मोस्टली आज का फूड है ना पूरा मलाड ईस्ट में रहने वाला है। तो पहले है ना डोसा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना इनका डोसा है ना थोड़ा फेमस है। ये अपना वर्लम चर्च है, तो हम इसके सामने ही रहते हैं गाइस। तो वर्लम चर्च जो है ना गाइस, आपको क्रिसमस आ रहा है तो यहाँ पे एक ट्री लगता है, बहुत बड़ा ट्री लगता है, तो वो भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा। बहुत ट्रैफिक था आज, बहुत ट्रैफिक था उधर। तो अपन मलाड ईस्ट में आ गए गाइस। तो मलाड ईस्ट जाने का, तो मलाड सब्बे से हम नीचे जा रहे हैं। तो मलाड सब्बे से डायरेक्ट आपको लेफ्ट में नेल देने का है। तो आ गए हम। ओके गाइस, तो हमें ना आ गए जो डोसा का जो बोला ना फेमस डोसा, यही है जय माता जी। तो इसका जो एड्रेस है ना गाइस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना रोड है ना दत्ता मंदिर रोड बोलते हैं इसको। तो आप हाईवे से आते रहेंगे ना स्ट्रेट आएंगे तो थोड़ा दूरी पे ही है ना लेफ्ट साइड पे इनका होटल है। तो चलो देखते हैं उनके अंदर क्या क्या है करके, चलो जाते हैं गाइस। डोसा बहुत फेमस है गाइस, हम चलो ये बताऊँगा। बटर डोसा बहुत फेमस है, तो मोस्टली मैं ज़्यादा करके यही पसंद करता हूँ। और उनका प्राइस लिस्ट तो मैं यहाँ पे रहता है देखो। ये अपना एक साउथ इंडियन बाइक ही है। ओके गाइस, तो मैंने अभी है ना बाइक वैसे ना एक दो डोसा और एक वड़ा और चटनी सांभर ले लिया। तो आप है ना गाइस सांभर है ना अलग से ले सकते हैं। और इनका मैं टाइमिंग बता देता हूँ गाइस। गाइस इनका जो टाइमिंग है ना सुबह 7:30 से ना शाम को 8 बजे तक है। तो सांभर है ना आप पूछेंगे ना तो आपको अलग से भी देते और चटनी भी अलग से देते, लेकिन मैं ना वो सब साथ मिल के खाएगा ना वो अच्छा रहता है। तो अपन पहले टेस्ट करते डोसा। डोसा है ना बहुत क्रिस्पी रहता है गाइस इनका, और पूरा है ना अमूल बटर रहता है, बढ़िया है। और जो ये मसाला जो डालते हैं ना, जो आपने देखा रहेगा जो मसाला, ये ना हम लोग में इडली पोड़ी बोलते हैं, वो पोड़ी और आपका जो बटर का जो साथ में ना जो मिक्सअप है ना बहुत बढ़िया रहता है। और मैंने एक मेदू वड़ा लिया, तो अभी टेस्ट करते हैं कैसे करके। पूरा क्रिस्पी कर देते भाई, ये देखो पूरा ये अमूल बटर से बनाया हुआ है, और वो अमूल बटर का जो सुगंध है ना बढ़िया है। तो पहले चटनी और सांभर साथ कर लेते हैं। ऑफिस से छूट के आता हूँ ना 7-8 बजे तक आता हूँ ना शाम को, 6:30-7 बजे आता हूँ, तो यहाँ पे नाश्ता करके जाता हूँ। बढ़िया से नाश्ता हो जाता है गाइस, और बेस्ट नाश्ता बोल सकते हैं गाइस ये। गाइस देखो चटनी सांभर ख़त्म हो गया है, और चटनी सांभर ना बहुत बढ़िया रहता है। और कितना बार भी आप पूछते रहेंगे ना देते रहेंगे भाई, तो चटनी सांभर लेके आता हूँ। खड़ा रह के भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत गर्मी रहता है ना, बहुत गर्म है उधर, उसके लिए मैं इधर साइड पे आ गया। और देखो गाइस वापस सांभर पूछे चटनी पूछे भाई ने दे दिया। गाइस ये डोसा और वड़ा और इडली ये बहुत फेमस है। तो मोस्टली ज़्यादा करके ना ये जो पोड़ी डोसा बोलते हैं ना ये बहुत फेमस है बटर में, और बढ़िया सा अमूल बटर में देते भाई। तो यहाँ पे वड़ा और डोसा खा लिया। तो यही दत्ता मंदिर रोड पे है ना, थोड़ा आगे जाएंगे ना लेफ्ट साइड पे मलाड ईस्ट में काव गली बोलते, तो वहाँ पे जाके क्या क्या है करके वो जाके देखते गए, चलो जाते हैं। तो वहाँ से ही थोड़ा आगे है तो लेफ्ट साइड में ही है। तो ये मलाड अपना दत्ता मंदिर रोड से लेफ्ट मारने का है, पहला लेफ्ट ही है आपको, दत्ता मंदिर रोड से पहला लेफ्ट मारो तो काव।
यहाँ पे जो इडली रास्ता किया था अभी यहाँ पे ना कुछ अंडा नॉनवेज ऐसा ट्राई करना है, तो ये भाई का दुकान है एक और कॉर्नर करके, तो उनके पास ना गाइस मैं रास्ते में एक चटनी बटर ऐसा कुछ खाया था, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें है वो चीज़, हाँ ये वाला मैंने चीज़ चीज़ बटर चटनी हाफ फ्राई, तो यही ऑर्डर करने वाला हूँ। ये इनके पास मैंने थोड़ा अच्छा डिश मैंने लास्ट में दोस्तों बताया तो मेरे को डिफरेंट लग रहा था, तो वही आज ट्राई करना लगा, थोड़ा ट्राई करना। गाइस यहाँ पे ना लास्ट टाइम मैंने एक बार आया था मेरा दोस्त के साथ में, तो ये मैंने ट्राई किया था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसके लिए मैंने ये डायरेक्ट यही ऑर्डर बोला हूँ। और इसका नाम है ना मुझे पता नहीं था, उसके लिए भाई को पूछा इसका नाम क्या है करके, बहुत अच्छा रहता है ये, अपना पाव भाई जैसा मतलब उसका जैसा ग्रेवी रहता है और पूरा ऑमलेट का रहता है, बॉयल अंडा और एक ऑबॉयल रहता है, तो पूरा क्रीमी जैसा है, पूरा भर भर के भाई ने बटर डाला है, बटर का स्वाद है ना बढ़िया लग रहा है। आज उधर भी अमूल बटर, इधर भी अमूल बटर, ये तो पूरा वो बॉयल अंडे का मतलब वो फ्राई अंडे का जो है ना बॉयल बोलते हैं ना, तो उसके साथ में पूरा क्रीमी, वो ऑलरेडी क्रीमी है, और ये बटर के साथ में इनके पास और बहुत सारा डिश है, पूरा बटर में ये बहुत सारा डिश है, तो इसमें से आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस अभी अंडा खाया, तो अभी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे है ना गाइस खाने के लिए, बहुत सारा चीज़ है, काव गली बोलेगा तो पूरा, मैं सोचा पाव भाजी ऐसा कुछ खाए करके, लेकिन है ना पूरा यही पेट भर गया, तो लास्ट में थोड़ा एक पाप पापड़, तो मसाला पापड़ है, तो ये मसाला पापड़ है गाइस ट्राई करते हैं, बहुत सारा फूड है गाइस, ये भी फूड बहुत है, लेकिन यहाँ पे पाव भाजी वो सब चीज़ दूसरा चीज़ खाने का मन करते हैं, लेकिन है ना ये पेट पूरा भर गया, तो पापड़ से पापड़ खाने के बाद एक डेजर्ट ले लेते, नहीं तो एक जूस पी के ना खत्म करने वाले, ये पापड़ ट्राई करते हैं। ये जो अपना नॉर्मल पापड़ से थोड़ा कड़क रहता है, ये आपको दिखेगा थोड़ा, ये पापड़ कड़क पकड़ा था, दोस्तों को दो तीन दिन बुलाया था, सारे लोग आए नहीं, तो और दो तीन डिश ना आपको बताने वाला था मैं, यहाँ पे पाव भाजी बहुत अच्छा रहता है, तो पाव भाजी में ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन पाव भाजी बहुत हो गया। ओके गाइस अभी फाइनली है ना गाइस हम लोग अभी डेसर्ट करने ट्राई करने सोचा था, जूस पिएगा सोचा था, लेकिन यहाँ पे मलाई गोला है ना ये थोड़ा फेमस है, तो सोचा कि मलाई गोला ही ट्राई करें करके, चलो ट्राई करते। मलाई गोला कभी ट्राई नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते कैसा है। मैंगो कोला, मैंगो कोला क्रीमी और ये सब अलग अलग रेट है, क्रीम ड्राई फ्रूट्स अलग है, मैंगो नहीं है मलाई गोला हो जाएगा, मिक्स मलाई गोला देगा, मैंगो नहीं है मिक्स मलाई गोला, मैंगो सीजन है उसके लिए, ज़्यादा कौन सा जाता है, मलाई गोला फेमस है। ओके मलाई गोला अपना फेमस है, तो मैंगो मलाई क्या है कि अच्छा रहता है।
बना देगा, खाएगा नहीं, खाने का खाने का नहीं। आपसे ठंडी में कर देते हैं, ठंडी में गोला नहीं जाता ना, इसलिए हाथ से कर देते हैं। कलर फुल एक दो महीने बाद एकदम हाथ चलेगा, हाथ से निकलने जाए तो इतना गर्दी रहता है, वो तो है मालूम है यार, यहाँ पे ये काव गली तो पूरा गर्दी पूरा भरा रहता है। मलाई गोला रेडी हो चुका है, अच्छा है, डिफरेंट है, बढ़िया। तो ये गाइस ये भी मस्त ट्राई कर सकते हैं। तो ये भाई ने बोला कि मलाई वाला बहुत फेमस है, इनके पास मिक्स रहेगा, सब फ्लेवर उन्होंने मिक्स करके दिया, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ओके गाइस आपने देखा रहेगा, तो ये है ना गाइस मलाड ईस्ट में, मैंने आपको नीचे देना गाइस दोनों जगह का एड्रेस है ना नीचे मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे आएगा ना गाइस कोई किसको भी पूछेगा ना मलाड का काव गली बोलेगा तो कोई भी बता देगा। वो इडली के लिए ना गाइस आपको है ना वो हाईवे से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, तो बाकी ये जो है ना गाइस मलाड में काव गली बोलेंगे तो कोई भी बता देगा आपको, तो नीचे मैं एड्रेस भी दे देता हूँ गाइस। और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग भी सोचा थे बहुत सारी चीज़ खाया करके, लेकिन इतने में पेट भर गया। तो पाव भाजी भी इधर बहुत फेमस है और सैंडविच है वो भी बहुत सारा चीज़ है ना यहाँ पे फेमस है गाइस खाने का चीज़ के लिए। तो आप ये डेफिनेटली आपका भी मलाड या कांदोली रहेंगे तो यहाँ पे भी आप आके ट्राई कर सकते। और ये वीडियो पसंद है तो गाइस लाइक एंड शेयर करना और बोलना सब्सक्राइब करना, अरे अच्छा वीडियो मिलता हूँ तब तक आप तो मिलता आपका माइस बाय।